वो लम्हा जब सांप अंडे से निकलकर बाहर की दुनिया में आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। आज की वीडियो में हम आपको नेचर की कुछ ऐसी रेयर मोमेंट्स दिखाएंगे जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन, आप सबने मकड़ियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये देखा है कि मकड़ी कितना लंबा जंप कर सकती है? नंबर टू, दोस्तों कहा जाता है कि इत्तफाक में बरकत है, और अब आप इसकी एक मिसाल यहाँ पर देखिए कि कैसे ये मक्खियाँ मिलकर कोशिश कर रही हैं कि वो इस शहद की बोतल से ढक्कन को उतार लें। नंबर थ्री, तो दोस्तों अब आप आसमानी बिजली की ताकत पर भी एक नजर डालिए। और अब एक नजर इस रिकॉर्डेड वीडियो पर भी डालें। नंबर फोर, तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी साफ सफाई पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं ताकि लोगों में शऊर पैदा हो और वो सड़कों पर गंद ना फेंकें, अब दोस्तों ऐसी ही कुछ चीजें हमें जानवरों से ही सीख लेनी चाहिए जिसमें जानवर अपनी जमीन को साफ सुथरा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नंबर फाइव, आपने वाटरफॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप जो देखने जा रहे हो वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसमें यहाँ इन मौलवी साहब के पीछे वाटरफॉल नहीं बल्कि सैंडफॉल हो रहा है और इसे आप देखो। नंबर सिक्स, आपने पानी में मौजूद बहुत सी यूनिक मछलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली को देखा है? यकीनन नहीं। नंबर सेवन, दोस्तों आपने बहुत से जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों को शिकार करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आप एक नजर इस शिकारी पर भी डालिए जिसने बहुत ही मुनफरिद और बेहतरीन तरीके से अपने शिकार को किया। नंबर एट, अब दोस्तों इस परिंदे को देखिए, ये परिंदा अपने अंडों की हिफाजत के लिए एक कदम भी नहीं हिला, अब उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर नाइन, अब दोस्तों जब आप भागने को तरजीह देने की बजाय डटकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं।
नंबर 10, अब आप इस परिंदे पर एक नजर डालिए जो कि अकेला ही बच्चों के प्लेइंग एरिया में एंजॉय कर रहा है। नंबर 11, अब आप देखिए कि कैसे परिंदे मछली को इतनी स्पीड में खाते हैं। नंबर 12, तो दोस्तों इन परिंदों की बहादुरी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 13, अब आप देखिए कि कैसे एक पैसेंजर ने जहाज से एक तूफान की वीडियो बनाई, हालांकि ऐसी वीडियो को बनाना बैन है। और अब आप यहां पर एक और तूफान को देखिए जो कि एक लेक में आया था। नंबर 14, अब आप यहां पर देखिए कि कैसे इस बड़ी मछली ने एक छोटी मछली का इस्तेमाल करके अपने शिकार को हासिल किया। नंबर 15, अब दोस्तों इस व्हेल मछली के साइज को देखकर मैं काफी देर से हैरत में हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।